वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आए हैं, चलिए बना लेते हैं। तो फ्रेंड, आज हम बहुत ही सरल रेसिपी लेके आए हैं जो आसानी से बन जाएगा और बहुत टेस्टी बनेगा। तो चलिए इसे बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने एक बैंगन लिया है। बैंगन इन दिनों बहुत अच्छा आ रहा है, तो गोल वाला बैंगन ले लिए हैं। इसे हम छील के काटेंगे। तो किस तरह से छीलना है वो हम आपको दिखाते हैं। इसको हमको पहले छोटा कर लेना है, छील करके छोटे छोटे पीस करके इसे हमको काट लेना है। तो इस तरह से हमने इसे चाकू से छील लिया है। आप चाहें तो पिलर से भी छील सकते हैं। तो इस तरह से हमको इसे चाकू से छील लेना है। बड़ा था, नहीं पकड़ में आ रहा था, इसलिए हमने इसको दो टुकड़े में कर लिया। और अब इसे छील लेंगे। इस तरह से हम इसको छील लेंगे, ऊपर का एक लेयर पतला छिलका हटा देंगे ताकि ये आसानी से पक सके। और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, ना भुनने का झंझट है और ना ही छीलने का। पहले से ही हम इसे छील के पकाएंगे। तो इस तरह से देखिए छील लिए हैं और इसे पतला पतला स्लाइस कर लेंगे और इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। तो आसानी से ये भाप में हमको पका के बनाना है, इसलिए ये आसानी से पक जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं और अब इसे हम भाप में पकाएंगे। एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें पानी रखेंगे और उसमें एक बर्तन में रख के इसे हमको भाप में पकाना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए कढ़ाई में हमने 1 से 1.5 कप पानी हमने डाल दिया है और अब इसमें हम एक स्टैंड रखेंगे और उसी के ऊपर हम इसको एक जाली में रख के पकाएंगे। तो इस तरह से देखिए स्टैंड हमने रख दिया है और अब इसमें हम रख देंगे, एक छेद वाली जाली है उसमें हमने इसको रख दिया है, जिसमें हम लोग सब्जी धोते हैं उसी वाले में इसको रख दिए हैं। और अब इसमें हम डाल देंगे मटर। 1/2 कप हमने मटर डाल दिया है, फ्रेश मटर है, ये भी साथ में बॉयल हो जाएगा। और इसे हम ढक के पका लेंगे। 10 से 15 मिनट तक इसे हमको भाप में पकाना है। जब अच्छे से ये पक जाएगा फिर हम इसे निकाल के आपको दिखाएंगे किस तरह से बनाना है। तब तक हम छौंक के लिए सामान तैयार कर लेते हैं। एक प्याज ले लिए हैं, कुछ लहसुन ले लिए हैं, 2 हरी मिर्च है, धनिया की पत्ती है। इन सबों को हमको काट के रख लेना है। तो पहले हम लहसुन छील लेंगे, उसके बाद प्याज छील लेंगे। सबको छील के छोटा छोटा चॉप करके हमको काटना है। जब तक वो भाप में पकेगा जब तक हम ये तैयारी कर लेते हैं। बहुत आसान है, बहुत टेस्टी बनता है। इससे आप लिट्टी खाइए, पराठे से खाइए, कैसे भी खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। तो 1 इंच का टुकड़ा हमने अदरक का लिया, पहले उसे छील के काट लेंगे। उसके बाद लहसुन छीलेंगे और प्याज हमने छील लिया है। इस तरह से देखिए लहसुन भी छिल गया हमारा और अदरक भी छिल गया। तो इस तरह से छीलेंगे तो आसानी से छील के आप काट पाएंगे। तो ये देखिए हमने काट के तैयार भी कर लिया। लहसुन भी कट गया, अदरक भी कट गया, प्याज भी कट गया और हरी मिर्च भी कट गई। और अब काट रहे हैं धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती ज़्यादा मात्रा में डालें ताकि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसमें और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए हमने सब काट के तैयार कर लिया। और अब टमाटर काट लिया हमने, 2 से 3 टमाटर लिया है, उसे काट लिया है छोटा छोटा चॉप करके। और अब दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये भी पक के तैयार हो गया है, बहुत अच्छे से गल गया है। नाइफ से हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से पक गया है। बस अब इस स्टेज पर हम इसे उतार लेंगे और छौंक तैयार करते हैं। तो ये देखिए इसको निकाल लिए हैं और अब एक कढ़ाई में हम ऑयल डाल दिए हैं 3 टेबल स्पून। हमने इसे सरसों के तेल में बनाया है, आप चाहें तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं। 1 पिंच हींग डाला, 1 स्पून हमने जीरा डाला। और अब इसमें हम डालेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। इन सबको थोड़ा सा पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। ये थोड़ा सौते हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। देखिए हल्का हो गया है, अब इसमें हम प्याज डाल देते हैं। और जब प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो इस तरह से हल्का हल्का हमको भुनना है। और अब इसमें डाल दिए 1 टीस्पून हल्दी। हल्दी भी पक गया, टमाटर को डाल देंगे। थोड़ा सा हल्दी पकने के बाद हम इसमें टमाटर डाले हैं और अब इसमें हम हल्का सा नमक डालेंगे ताकि जो है ये पक के अच्छे से मिक्स हो जाए। टमाटर डालने के बाद नमक डालने से टमाटर अच्छे से गल जाता है और मिक्स भी हो जाता है। तो इस तरह से देखिए हमने इसको स्टर कर लिया है। थोड़ा देर ढक के पकाएंगे ताकि ये जो है पक जाए अच्छे से। तो हमने इसको 2 मिनट के लिए ढक दिया था स्लो फ्लेम पे और ये देखिए अच्छे से मिक्स भी हो रहा है टमाटर। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो ये देखिए 1 स्पून हमने डाला इसमें धनिया पाउडर, 1 स्पून गरम मसाला और 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर। ये टी स्पून से हमने डाला है और 1 स्पून जीरा पाउडर।
हमने टीस्पून से डाला है मिर्च ताकि ज़्यादा तीखा ना हो, और 1 टीस्पून हमने इसमें डाला है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर टेबल स्पून में डाला है 1 टेबल स्पून, और गरम मसाला भी हमने 1 टीस्पून डाला है, और सबको अच्छे से मिक्स कर दिया। अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये एकदम से मिक्स हो जाए। तो इस तरह से देखिए अलट पलट के हमको बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना है। बहुत टेस्टी बनता है। इस तरह से आप बना के खाएंगे तो आपको भून के जो बनाते हैं लोग लिट्टी चोखा में, उससे ज़्यादा अच्छा ये बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनता है। और कितनी आसान तरीके से हर कोई इसे बना सकता है, बहुत टेस्टी बनता है। इस तरह से बनाएंगे और अब बन के तैयार हो गया। इसमें हम धनिया की पत्ती डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे, और इस तरह से ये हमारा बन के तैयार हो गया। लास्ट में इसमें हम 1 स्पून नींबू का जूस डालेंगे ताकि ये और टेस्टी हो जाए। इसमें हमने आलू नहीं डाला है, इसलिए इसे बीपी शुगर के पेशेंट वाले भी बहुत आसानी से खा सकते हैं। रेसिपी ज़रा भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियोज़ को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। साइड में बेल आइकन होता है, उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंचता रहे। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ऐसा ना करें प्लीज़। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। आपका 1 लाइक 1 शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और इस तरह से बनाएं और कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।